प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे तो पहला बाइडन सरकार ने वड्डा फैसला लिया है। हुण अमेरिका च काम करन ते रहन लई ग्रीन कार्ड लेना आसान हो जाएगा। हुण इस कार्ड की उड़ीक कर रहे लोगों लई नियमां विच ढिल दित्ती गई है। ग्रीन कार्ड लई योग्यता दे मापदंड बहुत सख्त सन। हुण बाइडन सरकार ने इस संबंध में एक दिशा निर्देश जारी करके नियमों में ढिल दित्ती है। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका च रहणगे। उन्हां दा वाइट हाउस शानदार स्वागत किया जाएगा। अमरीकी राष्ट्रपति जोए बाइडन और अमेरिकी प्रथम महिला जिल बिडेन प्रधानमंत्री लई वाइट हाउस में एक स्टेट डिनर का आयोजन किया जाएगा। 21 जून प्रधानमंत्री मोदी के राज दौरे की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र में योगा नाल होगी। इस दौरान वह 180 देशों लई योगा करवाएंगे। इस तो बाद वाशिंगटन जाएंगे जिथे वह वाइट हाउस जो बाइडन नाल मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नू अमरीकी कांग्रेस नू संबोधन करने लई भी सदा दिता गया है। वह 22 जून नू सैनेट अते सदन नू सांझे तौर पर संबोधन करेंगे। अमरीकी नागरिक अते इमीग्रेशन ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस विच रुजगार अधिकार दस्तावेज के नियमों में ढिल दी गई सी। अमरीका ने कहा है कि इस नाल वड्डी गिणती च भारतीय तकनीकी पेशेवरां नू राहत मिलेगी। वह आसानी नाल अमरीका विच रहन जां काम करन लई ग्रीन कार्ड लै सकन। अमरीका हर साल 1,40,000 नौकरियों लिए ग्रीन कार्ड जारी करता है। नियम यह है कि इन्होंने 7% कार्ड प्रति देश जारी किए जाते हैं। इस दे लई बिनेकार नू EAD लई योग होना चाहिए। योग्यता लई यह जरूरी है कि तुसी फार्म 1-140 के नियमों ते खरे उतर रहे हो। उस तो बाद USCIS ते निर्भर है कि तुसी असल विच रुजगार अधिकार लई योग हो या नहीं। फाउंडेशन ऑफ इंडिया अते इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ ने बाइडन प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया है। यह संस्था अमरीका विच H1B वीज़ा तहत काम करने वाले कर्मचारियों की छांटी की वकालत करती है।